मुझे लगता है कि 2 घंटे के लिए पढ़ाऊंगे हमें किसी और दुनिया के बीच में सब ठीक है। और जो जो इस पूरे 1.5 घंटे 2 घंटे है उसके दौरान जो भी हम लोग किए नॉर्मली हम नहीं करते उसको ऐसा करना मैं इसकी चाहते भी बहुत है। अब जैसे पहले ही शुरू की डांस कर शुरुआत में अब मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग तो ये सोच में पड़ गए कि करेंगे ना करें लेकिन करते करते फिर सारे लोग आए सामने और ऐसे लगभग हर एक्टिविटी में मुझे दिखा कि लोग सामने आ रहे। दूसरी बात ये भी हुई मैं इनके पूरे प्रोग्राम से यही हुआ कि बहुत सारा चीज हमें अपने जिंदगी में करना है नहीं करना है क्या करना है तो कैसे करना है किस चीज का कितना लोड लेना है खुद पे कितना स्ट्रेस लेना है और कितना स्ट्रेस देना है वो सब भी कुछ ना कुछ हमारे जिंदगी में इनके आज के एक्टिविटी से जरूर असर पड़ा होगा और आगे फायदा मिलेगा भी। और सबसे जो खुशी की बात यह है कि हम अपने आप को समझिए कि भूल भी गए थे कुछ देर के लिए हम कौन है आपको खासकर ये जो आंख बंद करके बोले थे कि आप डांस करो ठीक है अब उसमें कितने की आंख खुली थी कितने की बंद थी तो ये सब एक इंटरेस्टिंग में था मतलब जैसे खासकर जैसे मुझे डांस नहीं आता वैसा लोग आप बोलते डांस करो और आंख बंद करके तो पता नहीं चलता क्या हो रहा है ठीक है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है और आप ये भी देखते हैं कि कौन डांस कैसे करता है तो यूनिक है मतलब आपको एक बोलते हैं कि आपके पूरे जैसे सुबह सुबह ऑफिस में आते हैं बोलते हैं आज ये करना है ये करना है आज यहाँ एक बार लोग बोलेगा अच्छा वो जो है उसको डिसाइड करो पहले यहाँ जो करना है वो करो तो एक अलग चीज है मतलब हम काफी एक तरह से ये 2-3 घंटे तो अलग टाइप से स्ट्रेस फ्री जोन में ऐसा लगा कि इस क्लास में पता नहीं क्या करेंगे मैडम लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि एक अलग शांति देखे गया मतलब। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको एक अलग तरह से मतलब बोलते हैं कि जैसे वो जो बचपन में मैडम और बच्चे को जो उसे समझाते हैं कि अरे ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो मुझे लग रहा था आज वैसा सिचुएशन है तो एक अलग खुली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आईपैक टीम को और आप सबको और हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में यहाँ पर कार्यक्रम जो हुआ है जीएसआई के लगभग 34 ऑफिस से जाओ लिख गया तो अगर ऐसा कुछ स्कोप बना अगर आपके बाहर में भी सेंटर्स होंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सब दूसरे ऑफिस में भी हो और वहाँ के लोग भी यहाँ तो चूंकि संख्या हमारी कम है बाकी जगह 400-500 लोग है एक ऑफिस में 300-350 लोग हैं कोलकाता में 1000 में तो उस वहाँ पे अगर इस तरह का प्रोग्राम होता है तो मुझे लगता है पूरा ऑफिस का माहौल ही बदल जाएगा और एक अलग मैसेज भी चला जाएगा मतलब खासकर एक सरकारी सिस्टम में इस तरह के कार्यक्रम जल्दी होते नहीं ऑफिशियल टाइम में तो एक अलग मैसेज आएगा तो ये सब है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग कोशिश करेंगे फिर किसी और कार्यक्रम के माध्यम में आपको आमंत्रित करें और ये हमारा जो जुड़ाव आज हुआ है वो आगे चलता है। धन्यवाद।